एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टेलरिंग समा लेडीज कॉर्नर न्यूजीशान बिरयानी हाउस के एम आर होलसेल फ्लावर मार्ट भारत फर्नीचर। एवन टीवी में आप तमाम का खैरमकदम है। नाज़रीन, आप कांग्रेस को क्या समझते हैं? क्या वो एक सेकुलर पार्टी है या फिर फिरका परस्त पार्टी है? कांग्रेस अगरचे के एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसे उसके फैसले हुए हैं जिसकी वजह से उसकी सेकुलर छवि पर शक होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी कुछ फिरका परस्त अनासिर जमा हो गए हैं। वैसे तो कांग्रेस के क़याम से ही उसमें संघी जहन के कायदीन मौजूद रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में जब बीजेपी मजबूत हुई है तो ये समझा जा रहा था कि संघ परिवार पूरी तरह बीजेपी में शामिल है और कांग्रेस अब सेकुलर जमात हो गई है। लेकिन अभी उसके कुछ अजीबोगरीब फैसलों से ऐसा लगता है कि अभी संघियों ने कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ा और फिरका परस्ती की बुनियाद पर मुस्लिम कायदीन को आज भी पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। इसकी एक मिसाल है रियासत के यूथ कांग्रेस इलेक्शन के नतायज। नादरीन, कर्नाटका कांग्रेस यूथ सदर के ओहदे के लिए कई अफराद ने हिस्सा लिया था। इसकी बाजाबता वोटिंग कराई गई, नौजवानों ने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट दिए और मोहम्मद नलपान ने 64,000 लेकर तमाम उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। और इन वोटिंग के लिहाज से ऐसा किया जाना चाहिए था कि मोहम्मद नलपाड़ को कांग्रेस का स्टेट यूथ सदर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद नलपाड़ की जगह 57,000 वोट लेने वाले रक्षा रामैया को कांग्रेस का स्टेट यूथ प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, जो कि मोहम्मद नलपाड़ के साथ सरासर नाइंसाफी है। इस पर यह बहाना बनाया जा रहा है कि मोहम्मद नलपाड़ पर केस है जिसकी वजह से उनकी कैंडिडेटशिप को ख़त्म कर दिया गया। ये बहाने को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि क्यों इससे कबल ये इस बात का जिक्र नहीं किया गया, जब मोहम्मद नलपान ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया तो उस वक्त क्यों उनकी कैंडिडेटशिप को कैंसिल नहीं किया गया? और स्क्रूटनी किस मामले की होती है? जब पर्चा नामजदगी दाखिल हो गई, स्क्रूटनी हो गया और इलेक्शन हो गया तो हजारों नौजवानों ने जब उनको वोट भी दे दिया और सबसे ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किया, उसके बाद क्यों याद आया कि उन पर केस है, उन पर मुकदमा है? अगर बात मुकदमा की ही की जाए तो सियासत में कौन ऐसा कायद है जिस पर कोई मुकदमा ना हो? हर एक कायद पर कोई ना कोई मुकदमा होता है, बल्कि बहुत सारे कायदीन ऐसे हैं जो जेल की सेल भी करके आ चुके हैं। जब डी नोटिफिकेशन के केस में मुलविस येदियुरप्पा रियासत के वजीर आला बन सकते हैं और जब असेंबली में बैठकर बीयर फिल्म देखने वाले लक्ष्मण सोदी नायब वजीर आला हो सकते हैं, तो फिर एक मामूली केस में मुलविस मोहम्मद नलपाड़ कर्नाटका स्टेट कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकते? अगर कोई हमसे ये कहे कि बीजेपी में शायद वो कल्चर होगा कांग्रेस में नहीं, तो कांग्रेस के पास भी इसकी बड़ी मिसाल है कि कांग्रेस के जो रियासती सदर हैं डीके शिवकुमार, उन पर भी एक बड़ा मुकदमा दर्ज है और वो जेल जाकर कुछ दिन रहकर आ चुके हैं और जेरे बहस उनके मुकदमा थे। जब मुकदमों में मुलविस डीके शिवकुमार कांग्रेस के रियासती सदर बन सकते हैं, तो फिर मोहम्मद नलपाड़ क्यों कांग्रेस के रियासती यूथ सदर नहीं बन सकते? ये सीधा ये फाल्स बहाना है, एक बहानाबाजी है कांग्रेस की। असल में बात यह है कि मोहम्मद नलपाड़ एक मुसलमान है, एक अकलियती तबके से उनका ताल्लुक है, शायद इसी वजह से उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के इस फैसले से बहुत सारे नौजवान नाराज दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर और व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर मोहम्मद नलपाड़ की हिमायत में कई अफराद उतर आए हैं और यूट्यूब और ट्विटर पर एक हंगामा सा बर्पा किया गया है। इससे कांग्रेस को शदीद नुकसान होने का अंदेशा है। सबसे ज्यादा 64,000 वोट लेने के बावजूद मोहम्मद नलपाड़ को
सदर डिक्लेयर नहीं किया जाना दरअसल मोहम्मद नलपाल से ज्यादा उन लोगों से नाइंसाफी है जिन्होंने मोहम्मद नलपाल के हक में वोट डाले हैं। दरअसल ये वोटर्स की तोहीन है। अगर मोहम्मद नलपाल पर मुकदमे की वजह से कांग्रेस को उन्हें उनकी कैंडिडेटरशिप को कबूल नहीं करना था तो स्क्रूटनी के वक्त ही उनकी कैंडिडेटरशिप को मुअत्तल कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आज जब वो जीत गए तो ये कहा जा रहा है कि उन पर मुकदमा है जिसकी वजह से उनकी कैंडिडेटशिप को फ्रेम किया गया। दरअसल ये नौजवानों की तोहीन है और उन वोटर्स की तोहीन है। इसी तरह तोहीन कर करके कांग्रेस की हालत आज इस कदर अबतर हो चुकी है। आज कांग्रेस को जीत हासिल करने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। मोहम्मद नलपाल का ये वाकया दरअसल कांग्रेस के कल्चर को दर्शाता है। कांग्रेस मुसलमानों को टिकट जरूर देती है और उन्हें इलेक्शन में ठहरने का मौका भी जरूर देती है, लेकिन कभी मुस्लिम उम्मीदवार को जीतने के लिए मौके नहीं देती, बल्कि खुद कांग्रेस वाले ही उसको MLA, MP या फिर इस तरह यूथ प्रेसिडेंट रियासती सतह का बनने से रोकने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस में कुछ संगीन जहन शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को चाहिए एक मरतबा वो अपना इवैल्यूएशन कर ले और पहचान ले कि वो कौन गद्दार है और कौन संगीन जहन है जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह के फैसले करवा कर, जिसकी वजह से कांग्रेस दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही है। कांग्रेस को चाहिए उन संगीन जहनों को फौरन बाहर निकाले और अकलीतों के साथ हो रही पार्टी में नाइंसाफी को फौरन दूर करे और ये समझ जाए कि सेकुलरिज्म में ही कांग्रेस की बका है और सेकुलरिज्म में ही मुल्क की बका है, वरना फिरका परस्ती के आड़ में मुसलमानों को इस तरह कुछ वक्फे के लिए पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान मुल्क को और कांग्रेस पार्टी को ही होगा, क्योंकि मुसलमान को आप कितना भी पीछे धकेल लीजिए मगर एक ना एक दिन वो सुरखुरु होके ही रहता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लगे जख्म पे जख्म जख्मों के बीच, लगे जख्म पे जख्म जख्मों के बीच, रहा खिल के गुल आखिर कांटों के बीच।